हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्या, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, उसमें हमने अब तक लास्ट वीडियो में किया था हाथ के कार्य, यानी कि फंक्शन, हैंड फंक्शन किए थे दोस्तों हमने। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा टाइप्स ऑफ ग्रास्प। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से हमारी पकड़ के प्रकार है, यानी कि कितने प्रकार की पकड़ है दोस्तों। किसी वस्तु के लिए हम कौन कौन सी पकड़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ग्रास्प यानी कि पकड़ क्या है। इससे जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं कि ग्रास्प यानी कि पकड़। पकड़ क्या है दोस्तों? पकड़ है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए या उठाने के लिए हाथ के द्वारा बनाया गया आकार या ढांचा ही पकड़ कहलाती है। यानी कि हम किसी वस्तु को उठाने के लिए अपने हाथ को जो आकार देते हैं, जो ढांचा बनाते हैं, जो स्थिति होती है, उस स्थिति, ढांचे और आकार को पकड़ कहा जाता है दोस्तों। और इसके कौन कौन से प्रकार है, यानी कि कितने प्रकार की ये पकड़ है, आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो कुछ 7 प्रकार की पकड़ बताई गई है, यानी कि जो ग्रास्प है हमारी वो कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की मुख्य है दोस्तों। कौन कौन सी है? स्फेरिकल ग्रास्प, सिलैंडरिकल ग्रास्प, हुक ग्रास्प, ओपोनेंस ग्रास्प, लेटरल ग्रास्प, ट्राइपोड ग्रास्प और पिंसर ग्रास्प। दोस्तों ये 7 प्रकार की पकड़ दी हुई है। तो सबसे पहले जो दी हुई है दोस्तों, स्फेरिकल ग्रास्प कौन सी है? इस पकड़ को हम बोलते हैं दोस्तों गोलाकार, यानी कि गोलाकार, गोलाकार पकड़, गोलाकार पकड़ दोस्तों। ये कौन सी है? स्फेरिकल ग्रास्प दोस्तों, इसे कहा जाता है गोलाकार पकड़। यानी कि हम कह सकते हैं गोलाकार पकड़ से स्पष्ट होता है कि किसी भी गोल वस्तु को, यानी कि गोलाकार आकार की वस्तु को उठाने के लिए हम गोलाकार पकड़ का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्फेरिकल ग्राफ्स का प्रयोग करते हैं। और इस पकड़ को प्रयोग करने के लिए हमारी हथेली और 4 उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं हम उठाते हैं किसी बॉल को, तो बॉल को हम कैसे उठाते हैं दोस्तों? ऐसे उठाते ना, ऐसे होल्ड करते हैं। अगर हम थ्रो करते हैं तो भी इसको पकड़ के ऐसे थ्रो करते हैं। और हम कह सकते हैं हम उसको उठाते हैं या कैच करते हैं तो भी ऐसे कैच करते हैं। तो हथेली का केवल सामान सारा रहता है और अंगूठा और 4 उंगलियों का मुख्य कार्य रहता है गोलाकार पकड़ में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सिलैंड्रिकल पकड़, यानी सिलैंड्रिकल ग्रास्प दोस्तों। यानी कि सिलैंड्रिकल ग्रास्प में क्या है दोस्तों? इसे हम बोलते हैं बेलनाकार, बेलनाकार पकड़। दूसरी पकड़ कौन सी है दोस्तों? बेलनाकार पकड़। बेलनाकार पकड़ में क्या है दोस्तों कि हम कह सकते हैं बेलनाकार पकड़ हमें जो उपयोग करते हैं उसके लिए केवल हमारी उंगलियां कार्य करती हैं और हथेली क्या मजबूती के लिए सहारा देती है। किस तरीके से हम कह सकते हैं गोलनाकार पकड़ को दोस्तों? एक चीज और जान लीजिए, इस पकड़ को दंड गोलाकार भी बोला जाता है। दंड गोलाकार, गोलाकार पकड़, इस पकड़ का जो दूसरा नाम है दोस्तों दंड गोलाकार पकड़ दोस्तों। इस पकड़ को दंड गोलाकार भी बोलते हैं और बेलनाकार पकड़ भी बोलते हैं। इस पकड़ के लिए जैसे मैं कह सकती हूँ बेलनाकार पकड़ में, ये देख लीजिए मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ा है, यानी कि मैंने बेलनाकार पकड़ का प्रयोग किया है। इस तरीके से ऐसे पकड़ा है जिसमें अंगूठे का कोई कार्य नहीं है, हथेली का एक सहारा है मजबूती देने के लिए और उंगलियों ने इसे जकड़ रखा है, यानी कि पकड़ रखा है। तो ये है दोस्तों बेलनाकार पकड़, यानी कि सिलैंडरिकल ग्रास। दूसरा है दोस्तों हुक ग्रास। हुक ग्रास में क्या है दोस्तों? कांटे की पकड़ बोलते हैं। हुक का मतलब है टांगना या टांगना, या हम कह सकते हैं पकड़ना। किस तरीके से दोस्तों? टांगना या हम कह सकते हैं किसी चीज को टांग देना या लटका देना, किस तरीके से इसे बोलते हैं दोस्तों? कांटे की पकड़, कांटे की पकड़। तीसरी हो गई दोस्तों हमारी कांटे की पकड़, यानी कि हुक ग्राफ्स में कांटे की पकड़ बोलते हैं। और इस पकड़ को प्रयोग करने के लिए केवल हमारी उंगलियां कार्य करती है, ना ही हथेली का कोई कार्य होता है और ना ही अंगूठे का कोई कार्य होता है। हम कह सकते हैं इस तरीके से अगर हम कोई चीज, किसी चीज को उठाते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, हम घर में जो यूज करते हैं, सभी यूज करते होंगे दोस्तों, बाल्टी का,
बाल्टी को जब हम उठाते हैं तो क्या करते हैं, केवल हमारी उंगलियां ही कार्य करती हैं। इस तरीके से हम बाल्टी को उठाते हैं, ना ही हथेली का कोई कार्य होता है, ना ही अंगूठे का कोई कार्य होता है। यानी कि कांटे की पकड़ के लिए केवल, हमें कांटे की पकड़ के लिए केवल उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। कांटे की पकड़ में जैसे हुक ग्राफ्स बोलते हैं दोस्तों, या हम कह सकते हैं सूटकेस है कपड़े का हमारा, अगर हम उसे कहीं लेकर जाते हैं इस तरीके से, उसका हैंडल जो होता है दोस्तों, तो उसे पकड़ने के लिए हमने क्या करना होता है, केवल हुक करना होता है, यानी कि टांगना होता है अपनी उंगलियों में। कोई ऐसी चीज होती है, हम कह सकते हैं कोई डोरी ले लीजिए पेपर बैग में, जो आजकल जो पेपर बैग आ रहे हैं न्यू अलग अलग डिजाइन के दोस्तों, तो हमें उस पकड़ने के लिए केवल दो उंगलियों की आवश्यकता होती है। दो उंगली से हम उसको हुक कर सकते हैं, टांग सकते हैं, यानी कि पकड़ सकते हैं। तो हुक ग्राफ्स में क्या है, टांगना या कांटे की पकड़, इस तरीके से केवल हमारी उंगलियों का प्रयोग होता है। वस्तु के अनुसार चार उंगलियों का या दो उंगलियों का, एक उंगली से भी हम किसी चीज को हुक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ओपोनेंस, ओपोनेंस पकड़। ओपोनेंस ग्राफ्स में क्या है दोस्तों, ओपोनेंस ग्राफ्स में जिससे हम बोलते हैं दोस्तों जाल पकड़ कहते हैं इसको, जाल की पकड़। जाल की पकड़ में क्या है दोस्तों, इसमें हम किसी वस्तु को उठाने के लिए एक जाल पकड़ का प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि हमने कोई ऐसा सामान उठाना है जिसमें हथेली और हथेली का सारा ना दे करके केवल उंगलियों को और अंगूठे को और चारों तरफ से घेर कर उठाते हैं, हम जाल पकड़ बोलते हैं इसको। हम कह सकते हैं पानी का भरा हुआ बाउल उठाना, पानी का भरा हुआ अगर हम बाउल उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे दोस्तों, या तो उसको ऊपर से ऐसे उठाएंगे या फिर हम उसको इस तरीके से पकड़ेंगे। या हम कह सकते हैं कोई फ्रूट ले लीजिए बड़ा, तरबूज ले लीजिए दोस्तों, तो उसको हम कैसे उठाएंगे, ऐसे ही उठाएंगे जिसमें जाल यानी कि हमारी उंगली और अंगूठे का भी प्रयोग हो और उसको हम जाल के यानी कि होल्ड कर सके पूरे हाथ में, तो उसे ओपोनेंस ग्रास बोलते हैं, यानी कि जाल की पकड़। नेक्स्ट है दोस्तों लेटरल ग्रास, यानी कि लेटरल ग्राफ्स में क्या होता है दोस्तों, हथेली का प्रयोग ना करके केवल क्या, हथेली को प्रयोग से सहारा दिया जाता है और अंगूठे में फंसाया जाता है। हम कह सकते हैं इसे हथेली की पकड़, लेटरल ग्राफ्स में हथेली की पकड़, यानी कि जो हमारी कह सकते हैं कि हमारी जो पांचवी जो पकड़ है, यानी कि लेटरल ग्राफ्स, इसमें क्या है हथेली की पकड़। इस ग्राफ्स में क्या होता है, केवल हथेली के आधे हिस्से को और अंगूठे का अंगूठा सहारा देता है, अंगूठे में फंसाकर हम कार्य करते हैं। केवल देख लीजिए आप, हथेली का कोई कार्य नहीं है। अगर कोई वस्तु भारी है जिसमें वजन है, उसमें क्या है मजबूती के लिए हम हथेली का ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन क्या है इसमें दोस्तों, हथेली से सटा हुआ बिल्कुल अंगूठे के सहारे से हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को होल्ड कर रहे हैं। हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं दोस्तों, ताश खेलते हुए ताश को पकड़ना, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते दोस्तों जब हम पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, अक्सर हमने लोगों को खेलते हुए देखा है कि वो क्या, उन्होंने फंसा रखे होते हैं जिसमें हथेली के सहारे से अंगूठे से पकड़ते हैं, इसमें उंगलियों का प्रयोग नहीं होता है। कौन सी, लेटरल ग्राफ्स में। नेक्स्ट है दोस्तों ट्राइपोड ग्राफ्स, यानी कि हम कह सकते हैं तिपाई पकड़, तिपाई पकड़। इस पकड़ में क्या है दोस्तों, तिपाई पकड़ में हम क्या करते हैं, अंगूठा और कोई एक उंगली, यानी कि व्यक्ति के अनुसार, यानी कि जरूरी नहीं है व्यक्ति, अंगूठे का तो प्रयोग होगा इस पकड़ में लेकिन जरूरी नहीं है, अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी आदतों के अनुसार कोई भी उंगली का प्रयोग कर सकता है दोस्तों। तिपाई पकड़ जो है दोस्तों ये लिखने से संबंधित है, जिस व्यक्ति में इस पकड़ का अगर डेवलपमेंट नहीं होता है, विकास नहीं होता है उस बच्चे में, तो वह लिखने जैसे कौशलों से पिछड़ जाता है, यानी कि लिख नहीं पाता है। तिपाई पकड़ क्या है दोस्तों, ट्राइपोड ग्राफ्स, यानी कि तिपाई पकड़ मेरी ये है जो मैंने इस मार्कर को होल्ड कर रखा है दोस्तों, तिपाई पकड़ यानी कि अंगूठा और कोई एक उंगली, मैं इस तरीके से लिखती हूँ पेंसिल, पेंसिल दोस्तों, ये मैंने पेंसिल लिखा और तो मैंने क्या करा, केवल मेरी दो उंगली और एक अंगूठे का प्रयोग हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति इस तरीके से भी लिख सकता है, ये देखिए स्केच लिख सकता है, स्केच।
मैं ऐसे और कुछ को हमने देखा है कि कोई व्यक्ति इस तरीके से लिखता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक अंगूठे का प्रयोग होता है और क्या है अपने व्यक्तिगत अनुसार वह अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है। तिपाई पकड़ हम कह सकते हैं, तिपाई पकड़ कोई पेंसिल पकड़ने के लिए, स्केच पकड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों, कोई सीख पकड़ने के लिए हम पकड़ किसका प्रयोग करते हैं, तिपाई पकड़ का प्रयोग करते हैं। और तिपाई पकड़ किस में ज्यादा यूज होती है, लिखने में, लिखने में तिपाई पकड़ का यूज ज्यादा हम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पिंसर ग्रास्प, यानी कि चिकोटी पकड़, पिंसर ग्रास्प को हम बोलते हैं दोस्तों चिकोटी पकड़, चिकोटी पकड़ कहा जाता है पिंसर ग्राफ्स को दोस्तों। पिंसर ग्राफ्स कौन सी है, पिंसर ग्राफ्स में केवल अंगूठा और कोई एक उंगली का प्रयोग होता है, और अक्सर हम कह सकते हैं हमारी मध्य उंगली का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जो हमारी बीच की उंगली होती है उस उंगली का ज्यादा प्रयोग करते हैं किसमें, चिकोटी पकड़ में दोस्तों। तो चिकोटी पकड़ के लिए हम कौन कौन से कार्य में यूज होती है दोस्तों, हम कह सकते हैं सुई पकड़ना, सुई उठाना। सुई को हम कैसे उठाएंगे, अगर जमीन पर पड़ी हुई या किसी चीज पे रखी हुई है तो सुई को हम कोई एक उंगली, ऐसा नहीं चार उंगली से सुई उठाएंगे, हम एक उंगली से सुई उठाएंगे। हम कह सकते हैं पिन उठाना, पिन का प्रयोग, या पिन उठाना, गिरी हुई पिन को उठाएंगे तो उससे उठाएंगे, या हम कह सकते हैं दाल का दाना, दाल का दाना। इस प्रकार से एग्जांपल है चिकोटी पकड़ के लिए हम क्या है कब प्रयोग करेंगे चिकोटी पकड़ का दोस्तों, जब हम सुई उठाएंगे या पिन का प्रयोग करेंगे, या हम कह सकते हैं दाल का दाने का भी, या दाल साफ करेंगे, दाल अलग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे चिकोटी पकड़ का प्रयोग करेंगे, यानी कि पिंसर ग्राफ्स का प्रयोग करेंगे दोस्तों। पिंसर ग्राफ्स में दोस्तों क्या होता है, केवल हमारे टिप यूज होते हैं, यानी कि अंगूठे का टिप और उंगली का टिप, कोई भी एक उंगली, यानी कि दो चीज, दो, एक अंगूठा और एक उंगली का प्रयोग होता है, इन दो से किसी वस्तु को हम सुई उठाएंगे, पिन उठाएंगे या दाल का दाना साफ करेंगे दोस्तों। तो क्या ये चिकोटी पकड़ है दोस्तों, ये सारी हमारी सात प्रकार की पकड़ थी जो आज की वीडियो में हमने बताई आपको दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाथ के विकास, हाथ के विकास, यानी कि हाथ के जो कार्य होते हैं उनके विकास के बारे में बात करेंगे, कौन सा विकास कब होता है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।